दसवीं और ग्यारहवीं लोकसभा के बीच देश दो बड़ी घटनाओं से गुजर चुका था। पहली थी साल 1991 के मानसूनी महीनों में भारत ने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समावेश कर दिया, और दूसरी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उन्मादी भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसने देश में धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। ग्यारहवीं लोकसभा के लिए 1996 में हुए चुनाव भारतीय राजनीति में अभी तक हुए चुनावों से कई मायनों में अलग थे। 1977 और फिर 1989 के बाद केंद्र में तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इस चुनाव से भारतीय राजनीति साफ तौर पर द्विध्रुवीय हो गई। स्वतंत्र भारत में अपने को सत्ता की स्वाभाविक दावेदार मानने वाली कांग्रेस के एक सशक्त विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय हो चुका था। कांग्रेस पार्टी पहली बार गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व के बिना चुनाव में उतरी। परिणाम स्वरूप पार्टी में अपनी पकड़ बनाने की चाहत और गुटबाजी के कारण पार्टी ढलान पर जा पहुंची। इस 11वीं लोकसभा ने अपने 18 महीनों के अल्पकाल में तीन प्रधानमंत्री देखे। चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, तो संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, और इस प्रकार भारतीय राजनीति में दूसरा ध्रुव चमकने लगा। लेकिन भाजपा के उदय के साथ ही भारतीय राजनीति में राजनीतिक रूप से अछूत भी एक मुहावरा बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी सहयोगियों को खोजने और 272 का आंकड़ा छूने में असफल रहे। महज 13 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। इसके बाद जनता दल के हरदन हल्ली, डोडे गौड़ा, देवेगौड़ा को छोटे दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा गठबंधन का उम्मीदवार बनाया, जिसने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, और इस प्रकार देश को HD देवेगौड़ा के रूप में प्रधानमंत्री मिला। लेकिन अपनी सरकार की आंतरिक कलहों में फंसे देवेगौड़ा को कांग्रेस की इच्छा से जाना पड़ा। कांग्रेस को फिर से मजबूत होने के लिए अभी कुछ और समय चाहिए था, इसलिए पार्टी ने संयुक्त मोर्चे के ही एक अन्य नेता इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया। गुजराल को पड़ोसी देशों के साथ सुधरते रिश्तों और इससे ही जुड़े गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए याद किया जाता है। 1996 में हुए चुनाव से बनी 13 दिनों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया कि वो अकेले दम पर सत्ता में नहीं आ सकती। परिणाम स्वरूप चुनाव पूर्व एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर भारत में गठबंधन की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। अमित भारती के साथ श्रीश चंद्र सिंह, DD News।